हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका बी आर टेक यूट्यूब चैनल पर। आशा करता हूँ सभी लोग बढ़िया होंगे। आज के वीडियो में हम फिर से आ गए हैं आपके लिए एक बेहतरीन जानकारी लेके, जिसके थ्रू आप पूरे ऑल ओवर इंडिया में किसी भी राज्य से राशन कार्ड बनाने की आईडी ले सकते हैं और घर बैठे अपना राशन कार्ड और दूसरों का राशन कार्ड बना सकते हैं, ताकि आपकी यहाँ पर इनकम भी हो सकती है और आप अपना यहाँ पर राशन कार्ड भी बना सकते हैं। इसके लिए आपको किसी भी जनसेवा केंद्र नहीं जाना है और बिल्कुल आईडी फ्री है। सबसे पहले आप nfsa.gov.in की वेबसाइट पर आएंगे तो इस तरीके से आपको यहाँ पर इंटरफेस दिखेगा। अब आप देखेंगे यहाँ पर राइट साइड कॉर्नर में आपको दिखेगा पब्लिक लॉगिन का ऑप्शन, आप इस पर क्लिक कर देंगे तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से नए पेज पर आ जाएंगे। यहाँ पर देखिए साइन इन के तीन ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए आधार कार्ड से और यहाँ पर आपका आईडी बनाकर और यहाँ पर राशन कार्ड नंबर से। यहाँ पर देखिए जो यहाँ पर आधार कार्ड के थ्रू जो होता है, आपका आधार कार्ड में मोबाइल नंबर लिंक होना चाहिए, तो वहाँ पर आप आधार नंबर भर देंगे और कैप्चा भर के जनरेट ओटीपी करके ओटीपी के थ्रू यहाँ पर लॉगिन कर सकते हैं। यहाँ पर जो आप आईडी बना के कर सकते हैं, यहाँ पर जो आपकी आईडी क्रिएट करनी होती है, और यहाँ पर आप सीधे अपने राशन कार्ड नंबर से ही कर सकते हैं। तो हम आज इस तरीके से जानेंगे सेकंड नंबर वाले। तो यहाँ पर देखिए न्यू यूज़र का ऑप्शन आ रहा है, आप इस पर क्लिक कर देंगे। जैसे आप क्लिक करेंगे आपका यहाँ पर रजिस्ट्रेशन फॉर्म खुल जाएगा, तो इसे हम नीचे सेलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पर आपको अपना फर्स्ट नेम भरना है, यहाँ पर लास्ट नेम भरना है, डेट ऑफ बर्थ भरनी है यहाँ पर, और इसके आगे आपको देखिए जेंडर अपना भर देना है, और यहाँ पर लॉगिन आईडी आपको बनानी है। लॉगिन आईडी में अपना मोबाइल नंबर रख सकते हैं ताकि ध्यान भी रहेगा और चेक कर लेंगे यहाँ पर, और आपको अपना पासवर्ड बनाना है, थोड़ा स्ट्रॉन्ग पासवर्ड बनाएंगे, यहाँ पर कंफर्म पासवर्ड कर देंगे। वैलिडेशन मोड में आपका आधार कार्ड रहेगा और यहाँ पर नीचे आपको आधार नंबर भर देना है, उसके आगे आपको यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर भर देना है और यहाँ पर ईमेल आईडी भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर ऊपर आएंगे तो आपको अपना राज्य चुन लेना है, मेरा राज्य उत्तर प्रदेश है तो उत्तर प्रदेश कर देते हैं। यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट अपनी चुन लेंगे, जो भी आपकी डिस्ट्रिक्ट होगी, और यहाँ पर आपकी तहसील आपकी यहाँ पर चुन लेते हैं। उसके बाद यहाँ पर आपको गांव चुन लेना है अपना, जो भी गांव होता है, सारे गांव यहाँ पर अवेलेबल हैं जो भी, और उसके बाद यहाँ पर आपको एड्रेस लाइन 1 और 2 में अपना एड्रेस यहाँ पर भर देना है। उसके बाद आप यहाँ पर अपना पिन कोड भर देंगे और यहाँ पर कैप्चा भर देंगे, और उसके बाद यहाँ पर नीचे स्लाइड करते हैं तो देखिए एक रिमार्क्स वाला ऑप्शन है, यहाँ पर आप कुछ भी नहीं भरिएगा, छोड़ दीजिएगा। यहाँ पर कैसे दोनों टिक करेंगे और सबमिट कर देंगे। जैसे ही सबमिट करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको अपने आधार से लिंक जो आपका मोबाइल नंबर है उस पर एक ओटीपी प्राप्त होगा, वो ओटीपी यहाँ पर भरेंगे और यहाँ पर सबमिट ओटीपी क्लिक कर देंगे। अब फिर से ओके कर देंगे तो देखिए कुछ समय लगेगा। आप देखिए हमारी यहाँ पर रजिस्ट्रेशन आईडी जो क्रिएट हो गई है। अब आपको इस फिर से इस वाले पोर्टल पे आ जाए, यहाँ पर लॉगिन आईडी और पासवर्ड में अपना लॉगिन आईडी पासवर्ड जो आपने बनाया भर के लॉगिन कर देंगे। अब देखिए इस तरीके से आपका डैशबोर्ड खुलेगा आहार पोर्टल का। यहाँ पर देखिए लेफ्ट साइड में राशन कार्ड ऑफ अदर्स वाले सेक्शन में आएंगे, यहाँ पर आप टिक करेंगे और देखिए नीचे वाले फर्स्ट नंबर पर आपका आ रहा है राशन कार्ड अप्लाई करने का। यहाँ पर अपना राज्य चुन लेंगे, पूरे राज्य इंडिया के सभी अवेलेबल है लगभग, तो मैं यहाँ पर अपना राज्य चुन लेता हूँ और सबमिट कर देता हूँ। अब देखिए इस तरीके से आपका यहाँ फॉर्म खुल गया है, यहाँ पर आपका कार्ड यहाँ पर उत्तर प्रदेश हो गया, और यहाँ पर अपना कार्ड चुन लेंगे, आपका अंत्योदय अन्न योजना या NFSA का कार्ड है। बेनिफिशियरी टाइप यहाँ पर चुन लेंगे, जैसे राशन है तो यहाँ पर बेनिफिशियरी टाइप यहाँ पर चुन लेंगे। उसके बाद यहाँ पर देखिए एप्लीकेंट पर्सनल इन्फॉर्मेशन यहाँ पर भरनी है, नाम भरना है और यहाँ पर हिंदी में नाम भर देंगे, जो भी लोकल लैंग्वेज है। यहाँ पर जेंडर भर देंगे, डेट ऑफ बर्थ भर देंगे, यहाँ पर मदर फादर का नाम रहेगा, यहाँ पर मदर का हिंदी नाम और फादर का भी हिंदी नाम रहेगा। मैरिटल स्टेटस भर देंगे और यहाँ पर नेशनलिटी, मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी भर देंगे। उसके बाद यहाँ पर आप क्लिक करके अपनी फोटो अपलोड कर देंगे। यहाँ पर जनरल डिटेल में यदि आपका वोटर कार्ड है तो उसका नंबर भर देंगे यहाँ पर, और NPR नंबर है तो वो भर देंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे, ये मैंडेटरी नहीं है। यदि आपके पास नरेगा जॉब कार्ड है तो यहाँ पर उसे टिक करके यहाँ पर नंबर डालेंगे, नहीं तो इसे छोड़ देंगे। हमारे पास नहीं है तो इसे हम छोड़ देते हैं और इसे ऐसे ही टिक रहने देंगे। यहाँ पर अपना आप आधार नंबर भर देंगे और उसके बाद यहाँ पर जो आपका व्यवसाय है वो व्यवसाय भर देंगे। यहाँ पर जो भी है लगभग सारे व्यवसाय यहाँ पर हैं, यदि नहीं है तो आप यहाँ पर देख लेंगे, और यहाँ पर एनुअल इनकम आपकी कितनी है वह भर देंगे अपने आय प्रमाण पत्र के हिसाब से। और यहाँ पर यदि आपकी कोई ओल्ड RCA नंबर है तो उसे आप भर देंगे, और BPL नंबर है तो उसे भर के यहाँ पर सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद यहाँ पर आगे के स्टेप्स आएंगे, जैसे आधार, यहाँ पर एड्रेस डिटेल और ये सब करके आप फिनिश करके सेव एंड कंटिन्यू कर देंगे। अब देखिए यहाँ पर इसे चेक कर कैसे करना है, तो यहाँ पर आएंगे दूसरे नंबर वाले ऑप्शन में, यहाँ पर देखेंगे आपको यहाँ पर अप्रूव्ड वाले एप्लीकेशन दिखेंगे जो आपने अप्लाई किए थे और वो अप्रूव हो गए यानी कि बन गए। यहाँ पर ड्राफ्ट में जो आपने अप्लाई किए थे कंप्लीट नहीं हुए वो दिखेंगे, और पेंडिंग जो आपके अभी हैं वो दिखेंगे जो आपने अप्रूव कर दिए, और रिजेक्टेड भी यहाँ से दिखेंगे, जो कि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया चीज़ है। बाकी आप जनसेवा केंद्र से अप्लाई कराते हैं तो वहाँ पर आपको नहीं दिखता है कि आपका अभी एप्लीकेशन किस प्रोसेस में है, तो वहाँ पर आपको काफ़ी प्रॉब्लम हो जाती है चेक करने में, परंतु यहाँ पर जो है आप अपना ईजिली सारे इन्फॉर्मेशन को चेक कर सकते हैं, और इस सब काम को आप अपने मोबाइल फ़ोन के थ्रू भी कर सकते हैं, घर बैठे आप अप्लाई भी कर सकते हैं और सारे डिटेल्स भी आप घर बैठे ही देख सकते हैं। आपको कहीं भी जनसेवा केंद्र या किसी भी CSC सेंटर जाने की कोई भी आवश्यकता नहीं होती है। तो इस तरीके से आप अपना राशन कार्ड यदि नहीं बनाए तो यहाँ पर आईडी बना के यहाँ पर राशन कार्ड बनाइए, और यदि आपके पास जनसेवा केंद्र नहीं है और आप दूसरों को यहाँ पर राशन कार्ड की सेवा देना चाहते हैं तो अपनी इस तरीके से आईडी बनाकर दूसरों लोगों के यहाँ पर भी आप राशन कार्ड अप्लाई कर सकते हैं, और उससे आपको थोड़ी बहुत इनकम भी जनरेट हो सकती है। तो इसी तरीके से आप भी वीडियो को बताया है उसमें जो तरीका उसे फॉलो करिएगा, और यदि आपको पूरा राशन कार्ड अप्लीकेशन कैसे भरना है, क्या प्रोसेस रहता है, उसके बारे में भी जानना है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइए और कमेंट करिएगा,
तो हम उस पर भी एक नया वीडियो बना देंगे कि आपको किस तरीके से पूरा एप्लीकेशन भरना होता है और क्या प्रोसीजर रहता है आपके एप्लीकेशन सबमिट करने का, जो मैंने अभी यहाँ पर बताया था पूरा वहाँ पर मैं आपको बताऊँगा आपका फॉर्म कैसे सबमिट करना है और क्या प्रोसेस रहता है आगे का। तो इस वीडियो में इतना ही रहेगा, जो भी बताया गया तरीका आशा करता हूँ पसंद आया होगा। यदि फिर भी आपको कोई यहाँ पर डाउट है, कोई भी समस्या आती है तो आप कमेंट बॉक्स में जाइएगा, कमेंट करिएगा, हम उसका जल्द से जल्द सॉल्यूशन निकालेंगे। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा, वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से करिएगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद जय भारत।